Hey guys, how are you all? I hope you're all good. Now welcome back to my channel, The Beginning. So guys, आज पिकॉक ग्रीन डे है. आज हम ग्रीन लुक करने वाले हैं. सो फर्स्ट हम ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाले हैं. आज फाउंडेशन आई थिंक स्किप होगा. सो फर्स्ट हम ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं. नाउ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है. सो आज फाउंडेशन की जगह हम हमारा कंसीलर ही लेंगे एंड पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. सो फर्स्ट कंसीलर अपने अंडर आईज एंड आईज लिड्स पे अप्लाई करेंगे एंड फिर हम इसे अपने नोज पर एंड लिप्स एज अ कॉन्टोरिंग एंड पूरे फेस पर भी इसे ही अप्लाई कर लेंगे. एंड अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके इससे हम अच्छे से डैपिंग प्रोसेस से हमारा फाउंडेशन ही कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. डैपिंग प्रोसेस से क्लीनली जिससे हमारा कंसीलर पैची ना दिखे एंड एक अच्छा सा पिगमेंटेशन आए. स्विस ब्यूटी का कंसीलर बजट फ्रेंडली भी है एंड बहुत अच्छा पिगमेंटेशन देता है. सो आप ये बाय कर सकते हैं अगर आपको कंसीलर में इन्वेस्ट करना है. कंसीलर भी आपके पास होना चाहिए. सो आप चाहे तो स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले सकते हैं. सो मैंने ये डैपिंग प्रोसेस से क्लीनली मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. नाउ ये मैं इनसाइड एचडी का लूट्स पाउडर अप्लाई करने वाली हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. फर्स्ट इसे मैं अपने अंडर आईज पे यूज़ करूँगी जिससे कि मेरा कंसीलर लॉक हो जाए और मैं कोई भी लुक या फिर आई लुक करने के टाइम पे मेरा आई लुक अच्छे से निकल कर आए. एंड ऐसे ही करके मैं अपने पूरे फेस पे डैपिंग प्रोसेस से लूज पाउडर अप्लाई कर लूँगी जिससे मेरा कंसीलर लॉक हो जाएगा. सो ये हमने हमारा आई किट ले लिया है, आई पैलेट. सो आज पिकॉक ग्रीन है तो हम ऐसा ही कुछ आई लुक रखने वाले हैं. सो मैं अपनी ब्रश की हेल्प से पिकॉक ग्रीन शेड आई शेडो पिक कर ले रही हूँ. अगर आपको एक अच्छा सा लुक चाहिए तो आप आपके ब्रश को भी वेट करके अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से पिगमेंटेशनली आपके जो प्रोडक्ट है उसको पिक करेगा एंड आपके आईज़ पे अच्छे से अप्लाई होगा. आपको ज़्यादा नहीं, लिटल बिट ही ड्राई ये वेट करना है. सो मैं अच्छे से इस प्रोसेस से अपना आई मेकअप कंप्लीट करने वाली हूँ. जब तक मुझे मेरा अच्छा सा पिगमेंटेशन नहीं मिल जाता तब तक मैं प्रोडक्ट लेकर अपने आईज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी. नाउ इज़ डन. अब ये हम लिटिल बिट शिमरी ब्लैक शेडो अप्लाई करने वाले हैं आईज़ पे. आउटर कॉर्नर से अप एंड डाउन मोशन में मैं ब्रश को यूज़ करूँगी लाइक दिस
एनी से फिर सेंटर तक ले जाऊंगी लिटिल बिट अमाउंट से। एंड गाइस इससे बहुत अच्छा लुक आता है इस ब्रश, इस तरह की के ब्रश से। आप अगर आपके ब्लैक आई शेडो को मतलब आपको अच्छा क्रीज देने के लिए आप इस तरह के ब्रश से अप्लाई करोगे तो आपका बहुत अच्छा क्रीज आएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। एंड मैं इसी पैलेट में से अपनी फ्रेंड ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर भी अप्लाई कर लूँगी। बहुत सारे ऐसे किट आते हैं जिसमें आप अपना हाइलाइटर, ब्लश, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वे से। बस आपको एक अच्छा सा आई शेडो किट लेना रहता है। तो आप देख सकते हैं नोज़ पे कितना अच्छा सा एक हाइलाइटर का लुक आया है। सो इसे मैं अपने फोरहेड एंड अपर लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी। फर्स्ट मैं सोच रही थी कि मैं अपना टिंट यूज़ करूं, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास ऐसा वाला आई शेडो पैलेट है तो मैं इसमें से ही आपको कुछ यूनिक तरीके से दिखाती हूं कि आप कैसे आपके और भी चीज़ों को इसमें से ही पिक कर सकते हैं। सो मैंने रेड कलर का आई शेडो लिया है। आप चाहे तो फर्स्ट आपका लिप बाम अप्लाई करके भी ये एज अ लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस ये बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी क्रिकी सा नहीं लगता। बस आपको एक मैट शेड लेना रहता है। आप देख सकते हैं मैं अपने लिप ब्रश की हेल्प से इसे कैसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये एकदम ओरिजिनल लुक दे रहा है, कुछ भी शिमरी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा दिखता है। देन मैं इसमें से अपने ब्लश के लिए भी आई शेडो पिक करूँगी एज अ ब्लश। ये थोड़ा लाइट हो गया है, सो मैं थोड़ा डार्किश पिंक लूँगी जिससे कि ब्लेंड करने के बाद वो एक अच्छे से ब्लश के फॉर्म में क्रिएट हो। सो आप ये देख सकते हैं कि लिटिल बिट ब्लश के फॉर्म में मैंने एक पिंक कलर का आई शेडो लिया है एंड उससे मैं अपना ब्लश दे रही हूँ चिक्स पर। तो आप देख सकते हैं बड़ा आई शेडो पैलेट या कोई ऐसे जिसमें बहुत सारे कलर्स हों आप पिक लेते हैं तो आपके बहुत तरीके से बेनिफिट्स होते हैं। तो आप भी चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। ये मेरा पूरा किट है, इसमें आपको लूज़ पाउडर, लिपस्टिक जैसे पहले आता था ये मैंने बहुत पहले लिया था। सो ये मैं बहुत तरीके से यूज़ भी कर पाती हूँ, भले से लूज़ पाउडर और लिपस्टिक जैसी चीज़ें नहीं करती बट फिर भी आई शेडो में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। एंड आप देख रहे हैं कि मैं इसमें से ही अपने टिकली के लिए भी आई शेडो पिक कर रही हूँ एज अ टिकली। आप आपके किसी भी ब्रश को जो थिन है उसका बैक साइड उससे पिक कर सकते हैं या फिर किसी भी ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा माइसला वाटर अप्लाई करके सो मैं इसे अच्छे से, ये थोड़ा ग्लिटरी फॉर्म में था सो इसलिए ये जल्दी से अप्लाई नहीं हो रहा था बट फाइनली ये हो गया है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। सो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो हमने ये ब्लू हेवेंस का हमारा मास्कारा ले लिया है एंड इसे मैं अपने आई लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड उसके ही हेल्प से अपने ब्राउज को भी सेट कर लूँगी। सो इट्स डन, नाउ इट्स टाइम टू ब्राउज। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट में कभी भी अपने मस्करी को ना ले, जो भी बचा हुआ अमाउंट है उससे ही अप्लाई करें। इससे आपका आई शेडो अच्छा दिखता है एंड नेचुरल लुक देता है, क्रिकी नहीं लगता, ओवर नहीं लगता।
ये बेबी हेयर्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो देख सकते हैं आपकी ये कितना अच्छा लुक दे रहा है और बिल्कुल भी क्रीकी नहीं लग रहा है। अगर आपके पास आई शेडो या ऐसे सॉरी ब्राउ पेंसिल या किट नहीं है तो आप इस अपने मस्करे से भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ गाइस ये मेरा फाइनल लुक है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। नाउ बाय बाय, लव यू ऑल।